ये देखिए ये कालीकरण किया गया है और इसके अंदर पीसीसी है। देखिए मैं अपने जूते से इसके तो इसको तोड़ कर दिखाता हूँ आपको। जब जूते से ये कालीकरण उखड़ रहा है तो फिर आने वाले वक्त में इस सड़क का क्या हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया नगर निगम के नगर आयुक्त आईएस आरिफ अहसन के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार पर नगर आयुक्त ने काली पट्टी चढ़ा दी। यूं कहे तो जो ढलाई का निर्माण कार्य करवाया गया था उस पर कालीकरण कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस सड़क पर अभी मैं खड़ा हूं वो सड़क है पूर्णिया शहर का कला भवन रोड के से, ये गायत्री मंदिर सड़क है, कला भवन रोड से ही ये सड़क गायत्री मंदिर होते हुए ये शास्त्री नगर जाती है। इस सड़क का निर्माण कार्य 2023 में जनवरी फरवरी माह में पूरा कर लिया गया। इस सड़क में नाला का भी निर्माण करवाया गया, लेकिन किस गुणवत्ता के साथ निर्माण करवाया गया कि महज 8 महीने के बाद ही उस पर कालीकरण कर दिया गया। मैं ये भी बता दूं कि जब इस कालीकरण के बारे में मैंने जूनियर इंजीनियर जेई से बात किया तो उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त का ऐसा आदेश है कि उस ढलाई पर आप कालीकरण कर दीजिए। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि कालीकरण क्यों करना पड़ा, तो वो बताए कि जो ढलाई किया गया था सड़क का उस ढलाई से गिट्टी उखड़ने लगा था, तो उस गिट्टी को ढकने के लिए ये कालीकरण कर दी गई। आप यूं कह सकते हैं कि ये कालीकरण नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार पर काली पट्टी चढ़ा दी गई है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, देखिए अब ये कालीकरण सड़क है और इस पर मुश्किल से 1/2 इंच कालीकरण किया गया है। कालीकरण क्यों किया गया है, तो ढलाई का जो काम किया गया था वो ढलाई का गिट्टी उखड़ने लगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इस ये जो कालीकरण किया गया है इसकी क्या गुणवत्ता है। खैर यहीं पर मैं दिखाता हूं आपको कि देखिए ये कालीकरण है और कितना पतला कालीकरण किया गया है इस पर, ये कितने दिन तक टिकेगा। एक तो पहले ढलाई का गुणवत्ता खराब था और आज जब इस ढलाई की गुणवत्ता को सही करने के लिए इस पर कालीकरण किया गया तो उसका भी गुणवत्ता खराब है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसकी गुणवत्ता क्या खराब है। देखिए ये कालीकरण किया गया है और इसके अंदर पीसीसी है। देखिए मैं अपने जूते से इसके तो इसको तोड़ कर दिखाता हूँ आपको कि देखिए ये कालीकरण किया गया है। कालीकरण क्यों किया गया है, तो कालीकरण किया गया है यहाँ के जो जेई है, इस सड़क का जो जेई है, उन्होंने बताया कि जो ढलाई किया गया था उस ढलाई का गिट्टी उखड़ने लगा और जब गिट्टी उखड़ने लगा तो नगर आयुक्त के आदेश के बाद हम लोगों ने इस पर कालीकरण किया। एक तो पहले ढलाई का गुणवत्ता खराब था और उस ढलाई का गुणवत्ता खराब था इसलिए इस पर कालीकरण किया गया। लेकिन इस कालीकरण का गुणवत्ता कैसा है तो देखिए आप कि जब जूते से ये कालीकरण उखड़ रहा है तो फिर आने वाले वक्त में इस सड़क का क्या हाल होगा। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये सड़क। ऐसा नहीं है कि इस सड़क में एक जगह पर गुणवत्ता खराब हुआ है बल्कि आप हर जगह देख पा रहे होंगे। देखिए मेरे जूते से जब ये गिट्टी उखड़ रहा है तो जब इस पर गाड़ियां चलेगी और गाड़ी का जो ब्रेक दबता है तो फिर इस गिट्टी का क्या हाल होगा। तो आखिर किस गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है आईएस आरिफ अहसन के कार्यकाल में, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब नगर आयुक्त आरिफ अहसन पूर्णिया में नगर आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं और इनके कार्यकाल में पूर्णिया नगर निगम का विकास होगा। तो क्या ये विकास है, क्या हम इसे ही विकास कहते हैं। जिस सड़क का निर्माण जनवरी फरवरी माह में 2023 में पूरा किया गया आज उस सड़क की ऐसी दशा हो गई कि इस तरीके से उसका निर्माण करवाया गया कि उस पर 8 महीने के बाद ही कालीकरण कर दी गई। आप कह सकते हैं कि ये कालीकरण नहीं है बल्कि ये भ्रष्टाचार जो हुआ उस भ्रष्टाचार पर ये काली पट्टी चढ़ाई गई है, काली चादर चढ़ा दी गई है इस पर। और इसकी भी गुणवत्ता इतनी खराब है कि जब ये मेरे जूते से इसका गिट्टी उखड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने दिनों तक टिकेगा। मैं इसलिए दिखाने के लिए आया हूं क्योंकि पूर्णिया नगर निगम में ये कोई इकलौता सड़क नहीं है, ऐसे सैकड़ों सड़क का निर्माण हुआ है। 2016 से लेकर आज तक सैकड़ों सड़क का निर्माण हुआ है, सैकड़ों नाले का निर्माण हुआ है, सैकड़ों कलभट पुलिये का निर्माण हुआ है, सभी पुलियों का निर्माण कुछ इसी तरीके का है। इसलिए मैं इस सड़क को दिखाने के लिए आया कि किस तरीके से पूर्णिया नगर निगम में कार्य हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।